हमारा छठा पाठ है लिंग। लिंग को हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। बच्चों इस चित्र को देखें कि एक लड़का और एक लड़की नाच रहे हैं। यह चित्र दादा दादी की है। यह चित्र माता पिता की है और यह चित्र शेर शेरनी की है। बच्चों अभी आपने देखा लड़का लड़की, माता पिता, दादा दादी, शेर शेरनी, ये सारे ही लिंग हैं। लिंग वह होते हैं जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे जैसे इसमें लड़का पुरुष जाति है और लड़की स्त्री जाति। यहाँ दादा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और दादी स्त्री जाति का। यहाँ माता स्त्री जाति है और पिता पुरुष जाति। यहाँ शेर पुरुष जाति है और शेरनी स्त्री जाति। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग वह होते हैं जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराएं। तो चलिए अब हम आपके पुस्तक में पढ़ते हैं कि इसे कैसे पढ़ाया है। लिंग, जेंडर, पढ़ो और समझो। मोहिनी वैन से स्कूल जाती है। कैलाश स्कूल बस से जाता है। बैल हल चलाता है। गाय दूध देती है। अब देखो मोहिनी वैन से जाती है। कैलाश बस से जाता है। बैल हल चलाता है। गाय दूध देती है। यहाँ कैलाश और बैल पुरुष जाति का बोध कराते हैं। गाय और मोहिनी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। सभी तरह की संज्ञाएं या तो पुरुष जाति होती है या स्त्री जाति। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और तीसरा स्त्रीलिंग। लिंग को दो भागों में बांटा गया है। क, पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माली ने पौधा लगाया। मौसी जी कल नागपुर से आएंगे। यहाँ माली मौसा जी शब्द पुल्लिंग शब्द है। ख, स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे तितली उड़ रही है। नर्तकी नाच रही है। यहाँ तितली नर्तकी शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना पुल्लिंग होते हैं और ना स्त्रीलिंग, वे दोनों के लिए आते हैं। चित्रकार, घुड़सवार, यात्री आदि शब्द ऐसे ही शब्द हैं। इन शब्दों में महिला
शब्द जोड़ देने से ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे चित्रकार महिला चित्रकार, घुड़सवार महिला घुड़सवार, यात्री महिला यात्री। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, व्यक्ति प्राणी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम। पहला, शब्द के अंत में आए आ को ई में बदलकर पुल्लिंग नाना, स्त्रीलिंग नानी, मामा मामी, बकरा बकरी, लड़का लड़की। दूसरा, अंत में आए अ को इका में बदलकर नायक नायिका, लेखक लेखिका, संचालक संचालिका, बालक बालिका। तीसरा, अंत में आए आ को इया में बदलकर गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया। चौथा, अंत में आए ई को इन में बदलकर माली मालिन, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, नाई नायन। पांचवा, नी लगाकर शेर शेरनी, ऊट ऊटनी, मोर मोरनी, सरदार सरदारनी। छठा, अंत में आए अ को आनी में बदलकर सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे पुल्लिंग बैल, स्त्रीलिंग गाय, पति पत्नी, वर वधू, पिता माता, बिलाव बिल्ली, दूल्हा दुल्हन। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कौवा मच्छर, खरगोश कछुआ आदि। कुछ का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे मकड़ी मक्खी, तितली कोयल, मछली आदि। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे नर या मादा लगाया जाता है। जैसे नर मेंढक, मादा मक्खी। भाव स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे शब्द हैं जो या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे पहला, भावों के नाम पुल्लिंग सुख गुस्सा, बचपन बुढ़ापा आदि। स्त्रीलिंग सर्दी खुशी उदासी हरियाली आदि। दूसरा, स्थानों के नाम पुल्लिंग बाग
विद्यालय, घर, सभी देशों, राज्यों व शहरों के नाम आदि। स्त्रीलिंग, गली, पहाड़ी, वाटिका, सभी नदियों के नाम आदि। तीसरा, वस्तुओं के नाम। पुल्लिंग, गिलास, पहाड़, सूरज, आम, आलू आदि। स्त्रीलिंग, पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। ये सभी पदों के नाम हैं। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो स्त्री लिंग कहलाते हैं। सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के होते हैं। अभ्यास। अभ्यास को हम अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। पाठ की समझ। पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लिंग की परिभाषा लिखो। बच्चों, आप अपने पाठ को दोहराएं और याद करें कि लिंग क्या होते हैं और सोचकर इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ख, लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं उनकी परिभाषा लिखो। बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग वह होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, पिता, दादा, शेर। और स्त्रीलिंग वह होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़की, माता, दादी, शेरनी। ग, किन्हीं पांच स्त्रीलिंग शब्दों के नाम बताइए। नाम है जैसे अध्यापिका, वाटिका, गाय, हरियाली, पुस्तक आदि। भाषा की समझ। दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके लिंग लिखिए। बच्चों, इन चित्रों को देखो। इस पहले चित्र में यह किसका लिंग बता रहे हैं? इस पहले चित्र में ये एक लड़की है, एक गुड़िया, तो यह स्त्रीलिंग है।
बच्चों, यह क्या है? यह किस पक्षी का चित्र है? ये मोर की चित्र है, तो ये पुल्लिंग है। ये स्कूल की चित्र है, तो यह पुल्लिंग है। यह पतंग की चित्र है, पतंग स्त्रीलिंग है। यह पुस्तक की चित्र है, ये स्त्रीलिंग है। तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में मोटे शब्द के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। क, माली बगीचे की देखभाल करता है। बच्चों, यहाँ मोटे शब्द से लिखा माली है, तो माली का उल्टा क्या होगा? मालिन। तो यहाँ वाक्य बनेगा, मालिन बगीचे की देखभाल करती है। यह स्त्रीलिंग यहाँ है, तो इसलिए कर्ता का करती हो जाएगा। ख, मेरी अध्यापिका मुझे पढ़ाती है। यहाँ पर मोटा शब्द लिखा हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका का उल्टा लिंग होता है अध्यापक। तो यहाँ वाक्य बनेगा, मेरा अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं। ग, घोड़ा गाड़ी पर औरत बैठी है। यहाँ मोटे शब्द से लिखा है औरत। औरत का उल्टा लिंग होगा आदमी। तो यहाँ वाक्य होगा, घोड़ा गाड़ी पर आदमी बैठा है। घ, चाची जी मेरे लिए फ्रॉक लाई। यहाँ मोटा शब्द है चाची जी, तो चाची जी का उल्टा होगा चाचा जी। तो इसका वाक्य बनेगा, चाचा जी मेरे लिए फ्रॉक लाए। अंग, कुत्ता झटपट रोटी खा गया। यहाँ मोटा शब्द है कुत्ता। कुत्ते का उल्टा लिंग होता है कुतिया। तो यहाँ वाक्य बनेगा, कुतिया झटपट रोटी खा गई। नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग होगा चिड़िया। धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन। पुजारी, पुजारी का स्त्रीलिंग होगा पुजारिन। देवर, देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरानी। वर, वर का स्त्रीलिंग होगा वधु। नायक, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका। पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। बकरी, बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा। नायन, नायन का पुल्लिंग होगा नाई। संचालिका, संचालिका का पुल्लिंग होगा संचालक। पत्नी, पत्नी का पुल्लिंग होगा पति। गाय, गाय का पुल्लिंग होगा बैल। बिल्ली, बिल्ली का पुल्लिंग होगा बिलाव। भाषा की परख, छठा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। लिंग कहते हैं शब्द के उस रूप को जिससे स्त्री या
पुरुष जाति का पता चले शब्द के उस रूप को जिससे वस्तु की संख्या का पता चले। इसका उत्तर है शब्द के उस रूप को जिससे स्त्री या पुरुष जाति का पता चले। ख, लिंग के भेद हैं। बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5? लिंग के 2 भेद होते हैं। ग, स्त्री लिंग शब्द हैं। कवि, सम्राट, विदुषी, मुर्गा। स्त्री लिंग शब्द है विदुषी। घ, पुल्लिंग शब्द है शेरनी, धोबिन, अभिनेत्री या हाथी। पुल्लिंग शब्द है हाथी।